आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी का बहुत आशीष दे। आज ये वचन जो आपको बताया जाएगा, सुनाया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना, क्योंकि इसमें बहुत गहरे प्रकाशन छुपे हैं और आप जान पाओगे कि एक परमेश्वर के साथ एक मन एक आत्मा होना हमारे लिए कितना भला है और इसमें हम कितने सामर्थ्य, कितने आत्मिक उन्नति में पहुँच जाते हैं और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं इस वचन में कि जिसमें कुछ समस्या होती नहीं है, लेकिन उसको हम खुद ब खुद अपने अपने शब्दों के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी हमें बचा लेता है, छुड़ा लेता है, आज़ाद करता है और अपने पंखों में छिपा लेता है। इस वचन को जानने के बाद आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप परमेश्वर के साथ बहुत अद्भुत तरीके से कनेक्ट हो पाओगे, समझ पाओगे और उसकी गहराई में जा पाओगे। लिखा है मत्ती 14वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। किसने? ये यीशु मसीह है, अपने चेलों से कह रहा है कि चलो चलो जल्दी चढ़ो, नाव पर चढ़ो और तुम उस पार पहुंचो, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। लिखा है आगे, विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। तो मतलब यीशु मसीह ने उनसे कह दिया चेलों से कि तुम उससे पहले वहां पहुंच जाओ, ठीक है, हम वहां पर मिलेंगे, और उनको जल्द से जल्द नाव में चढ़ाकर, फिर आगे लिखा है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। मतलब यीशु मसीह ने जब उन चेलों को विदा कर दिया, नाव में बिठा दिया जल्द से जल्द, उनसे बोला चलो भाई मैं वहाँ मिलूंगा, तुम उससे पहले वहाँ पहुँचो, और उनको विदा करके फिर यीशु मसीह अकेले, बिल्कुल अकेले पहाड़ पर अलग जगह पर कहीं प्रार्थना करने के लिए चले गए। और सांझ को वह वहाँ पर अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब ऐसा हुआ कि यीशु मसीह तो पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए चले गए, अब वो झील के पास तो गए नहीं। तो सोचने वाली बात है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना और सीखना, और परमेश्वर आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे, आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, आपको गहराई में लेकर जाकर सिखाए प्रभु, कि जब यीशु मसीह वहाँ पर पहाड़ी पर अकेले प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर साफ लिखा है, और सांझ को वह वहाँ पर अकेला था, मतलब पहाड़ी पर जहाँ प्रार्थना करने गए थे, और आगे लिखा है उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर गए हैं और वहां पर वो अकेले हैं, और झील के पार जाने के लिए उनके पास कुछ साधन नहीं है, कोई नाव नहीं है या कोई साथी भी नहीं है, तो वहां पर पार कैसे जा सकते हैं? जब नाव से ही जाने में बहुत लंबा समय लगता है तो पैदल कैसे पहुंचेंगे? और वो भी यीशु मसीह चेलों से पहले पहुंच गए, वो भी झील के ऊपर। और ये सारी बातें परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में दिखाया कि यीशु के चेले झील में फंसे हुए हैं और उनके नाव हिचकोले खा रही है, डगमगा रही है, और वो बहुत डरे हुए हैं। तो ये तो अलग बात है, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए थे तो वहाँ पर झील के पास, झील के ऊपर, वो उन चेलों की नाव के सामने वहाँ पर कैसे पहुँचे? ऐसा करने के लिए सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया। हमारा भी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो, हम भी ट्रांस में जाएं या हम भी आत्मा में इन सब बातों को जानें कि किसके जीवन में, किसके देश में, किस कंट्री में, किसके घर परिवार में क्या चल रहा है, और अगर हम उन आत्मा में होकर उनके घर परिवारों में जाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, जैसे यीशु के चेले पुकार रहे थे, यीशु के चेले डगमगा रहे थे, डर रहे थे, और यीशु मसीह उनके पास उतर आया। लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकारो और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने अपने पिता को हमेशा पहला स्थान दिया, और चाहे चेले साथ में थे, चाहे कोई भी था, यीशु मसीह ने किसी की परवाह ना करके अपने पिता को पहला स्थान देने की पूरी कोशिश की। जैसा कि अभी बता दिया, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने चेलों को भेज दिया, जल्द से जल्द उनको नाव में चढ़ा दिया, क्योंकि यीशु जानता था कि उसकी प्रार्थना का समय हो रहा है, उसको अपने पिता के पास जंगल में जाना है, पहाड़ी पे जाना है प्रार्थना करने के लिए। यीशु ने उनको विवश कर दिया, जल्दी से बैठो और जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, ठीक है, जल्दी से निकलो। और फिर उसके बाद जल्द से जल्दी से दौड़ भाग कर वो अपने पिता के पास, समय एक निर्धारित कर रखा था यीशु ने कि मैं इसी समय अपने पिता से अकेले में अपना सेपरेट क्वालिटी टाइम पिता के साथ बिताऊंगा और शेयर करूंगा उससे अपने दिल की बातें, और उससे पूछूंगा कि उसने मेरे लिए आगे के लिए क्या योजनाएं रखी। बहुत सारी बातें पिता के साथ यीशु करते थे, प्रार्थना करते थे यीशु हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए पिता से अनुग्रह मांगते थे। बहुत सारी बातों को लेकर प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते थे, जो जो चीज़ की उनको ज़रूरत होती थी पिता से, कि पिता, जैसे कि एक आपने प्रार्थना सुनी होगी, यीशु मसीह बहुत आंसू बहा बहा कर
मतलब देह में रहने के दिनों में भी आंसू बहा बहा कर बहुत दुख के साथ प्रार्थना की, लिखा है भक्ति के कारण यीशु की सुनी गई। और प्रार्थना यीशु मसीह ने कैसे की, एक बार पिता के सामने लिखा है कि यीशु मसीह जब पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया तो उनका पसीना मतलब खून बनकर टपक रहा था पत्थर पर। सोचो कितना तगड़े प्रेशर के साथ यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी से इच्छा पूरी हो। मतलब पूरे दिल का हाल पिता के सामने खोल कर अपनी सारी अच्छाइयाँ, और अब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पा रहे, क्या करने में थोड़ा सा मुश्किल था, क्या कठिनाई थी, सब बातें पिता के सामने खोल दी। लिखा है कि एक स्वर्गदूत उनके पास आकर उनको सामर्थ देकर चला गया। मतलब प्रार्थना परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने किस तरीके से की, वो तो आप बहुत सारी बातों को जान चुकी हो, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। तो इसके अलावा पहली बात हमें ये देखना है कि यीशु मसीह ने पिता के साथ कैसा रिश्ता बनाया। एक तरफ चेले हैं, यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया कि यीशु मसीह के चेले पानी में, मतलब पानी में जो नाव है उस नाव हिचको लिखा रही है, उस नाव पर जो बैठे हैं यीशु के सारे चेले डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं, और यीशु मसीह अचानक उनके पास वहाँ प्रकट हो गया। हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनी हैं, आपने साधु सुंदर सलराज जी की गवाही सुनी होगी, अगर आप चाहो तो सुन सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये भी एक ट्रांस होता है, इसका मतलब जैसे कि हमारा शरीर, जैसे मैं यहाँ पर अपने घर पे प्रार्थना कर रहा हूँ रात को, और इसी समय मतलब प्रार्थना के समय में कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपने मतलब दुखों और आंसुओं में पुकार रहा है कि प्रभु मेरे को चंगा कर, मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर, तो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी आत्मा को वहाँ भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, और ये बात मुझे नहीं मालूम है। कई कई सिचुएशंस में ऐसा होता है, कई कई बार हमें नहीं पता रहता कि हमारी आत्मा किस, अगर हम ज़्यादा कनेक्ट हैं, ये छोटी गहराई की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गहराई की बात है। इसमें दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि हाँ, मुझे एक बात तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, खुदा का आत्मा मुझे भेज रहा है, और मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, मेरा शरीर प्रार्थना में बैठा, लेकिन मैं प्रार्थना करने के लिए किसी और जगह पे, किसी और देश में, किसी और कंट्री में, किसी और शहर में, किसी और घर परिवार गली गांव में चला गया, किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, या किसी हॉस्पिटल में परमेश्वर ने मुझे आत्मा में भेज दिया प्रार्थना करने के लिए कि इसके लिए प्रार्थना कर। एक तो ये भी है, एक तो मैं खुद जान सकता हूँ, और एक दूसरा जिसमें सिर्फ वो ही जान पाएगा जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा है, दास की आत्मा को भेजा है, एक दूत बनाकर भेजा है। कभी कभी ऐसा देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि परमेश्वर के दास पास्टर्स होते हैं, हमारे सपनों में आए हैं, दर्शनों में आए हैं, और ये बात सच होती है, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना में बैठते हैं तो ऐसा होता है कि अगर हमें कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई बहुत टेंशन चिंता परेशानी होती है, तो परमेश्वर अपने दास दासियों को, अपने अभिषिक्तों को भेजता है सपनों में, उनसे बातचीत करवाता है, उनके द्वारा उत्तर दिलवाता है, या वो हमारे कमरे में आते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं, कहते हैं कि तू चंगा है, तू चल फिर उठ, भाग, ये काम तू ऐसे कर, ये काम ऐसे कर, मतलब कुछ प्रोफेसीज करके जाते हैं। इसे भी एक तरीके से ट्रांस कहते हैं। ट्रांस कई प्रकार के होते हैं, तो अभी पहले हम वचन के बारे में जानेंगे। जैसे कि अभी वचन चल रहा है कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को भेजता है ना, तो वो उनकी, परमेश्वर की निगाहें हम सब पर हमेशा रहती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप में कोई हमारे साथ हो या ना हो। यीशु उनके साथ शारीरिक रूप में नहीं था, लेकिन आत्मिक रूप में इनके साथ था, इनके ऊपर निगाहें थी यीशु की। यीशु सब आत्मा में जान रहा था कि मेरे चेले कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसी परिस्थिति, कैसी मुसीबत में है। तो कभी कभी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपने लोगों को कभी कहीं भेजता है ना, तो ये मत सोचना कि हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे साथ पृथ्वी और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर, जिंदा खुदा जलाली परमेश्वर यीशु हमारे साथ रहता है। तो जब ऐसा ही चेलों के साथ हुआ, जब चेलों को यीशु ने भेजा, और जब चेले समस्या में पड़े, तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर उतर आया। लिखा है ना कि तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर उतर आए, एक प्रकट रूप में कह सकते हैं आप, जिस तरीके से आप समझो। तो क्योंकि यहाँ पर साफ कहता है वचन, लिखा है कि और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले घबरा क्यों गए? सबसे पहली बात ये, झील पर चल कौन रहा है? दूसरी बात यह है कि पानी पर चल कैसे सकता है? तीसरी बात यह है, अगर यीशु है, यीशु चिन्ह चमत्कार की बात है, क्योंकि उनके साथ चिन्ह चमत्कार होते रहते थे, उनको एक बात थी मन में कि यीशु ने हमसे कहा था कि मतलब पहले हम वहाँ पहुँचे, और दूसरी बात यीशु तो पहाड़ी पर गया था प्रार्थना करने के लिए, यीशु यहाँ पर हमसे पहले कैसे आ सकता है? तो कई सारी बातों को लेकर वो सोच रहे थे, इसलिए वो घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन है। और आगे लिखा है, और कहने लगे यह भूत है, मतलब डर गए, और उनके मुँह से निकला ये तो भूत है भैया, और डर के मारे चिल्लाने लगे, इतना डर गए कि सौरे सौरे की सौरे चेले चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो,
मैं हूँ, डरो मत। मतलब जैसे कि कभी कभी प्रभु यीशु के लोग, परमेश्वर के लोग कभी कभी बहुत डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, कभी किसी बातों को देखकर डर जाते हैं। तो लिखा है कि यीशु कहता है कि ढांढस बांध, मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। कभी कभी समस्या ऐसी आती है कि लगता है कि समस्या प्रबल होने को है, प्रबल हो रही है या होने को है या होने वाली है। तो उसी समय प्रभु यीशु अपने बच्चों का, अपने चेलों का हाथ पकड़ लेता है, उनको अपने पंखों की आड़ में छुपा लेता है और रक्षा और सुरक्षा करता है और कहता है ढांढस बांध, मत डर, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और आगे लिखा है, पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। कभी कभी हम शक करते हैं, यदि, मतलब पत्रस ने इस बात में शक किया, परमेश्वर अगर तू ही है, मतलब एक बार पहले यीशु मसीह ने कह दिया कि भाई मैं हूँ, ढांढस बांधो, मत डरो, फिर भी पत्रस को एक तरीके से शक हुआ, परमेश्वर यीशु अगर तू ही है, अगर, जहाँ पर अगर, मगर, किंतु, परंतु आ जाता है ना, तो ये बिल्कुल परिस्थिति को बदल डालता है। ध्यान रखना, ये सारी सिचुएशन, सारे सेंटेंस बिल्कुल बदल जाते हैं, बहुत तगड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। तो पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उस समय यीशु भी सोच रहा होगा, अरे मैंने इनको एक बार पहले बोल दिया मैं हूँ, डरो मत। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेले से कहा, चल ठीक है, तू आ जा। हाँ, तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पानी पर चलना कोई आम बात नहीं है। पत्रस के मन में एक विश्वास उत्पन्न हुआ, किस प्रकार का, कि अगर वो सच में यीशु है तो मैं भी चल सकता हूँ, और उसने मुझे कह दिया आ, और यीशु ने जब मेरे से बोल दिया तो मुझे कोई डरने की जरूरत है ही नहीं। तो कुछ ऐसा हुआ, कभी कभी हम लोग भी विश्वास में निकल जाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कैसी, जैसे कि पत्रस के सामने आई थी, ये थी नहीं लेकिन परिस्थिति क्रिएट हो गई थी, जो चीज़ दिखाई नहीं देती ना। कभी कभी ऐसी बातें हम अपने दिमागों में, मनोविचारों में सोच सोच कर अपने आप को और, मतलब, तोड़ लेते हैं, विश्वास में अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। लिखा है, तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। क्या हवा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। इस बात को ध्यान से समझना, जो चीज़ नहीं है ना, उस चीज़ को देखकर हम डर जाते हैं। हमारे पास जिंदा जलाली सामर्थी परमेश्वर होने के बाद भी हम डर जाते हैं। जो चीज़ नहीं है उसको कैसे देखकर डर सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर ऐसी ऐसी बातें गढ़ती हैं, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और संसारिक, मरने को लेकर, काटने को लेकर, जलने बुझने को लेकर, लड़ाई दंगे को लेकर, मौत, एक्सीडेंट्स को लेकर, चलने फिरने, उठने बैठने को लेकर, कुछ ना कुछ नुकसान, नेगेटिव। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें विश्वास में दृढ़ रहना ज़रूरी है। लिखा है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और यह भी लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो उससे हट जाए तो परमेश्वर का मन उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। तो कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं, सिचुएशंस मनुष्य के जीवन में, एक मसीह विश्वासी के जीवन में आती है कि अगर मनुष्य विश्वास का कदम बढ़ाता है, मसीह एक व्यक्ति अगर विश्वास का कदम बढ़ाकर कुछ काम करता है, अगर प्रभु में बढ़ता है या कुछ सेवकाई के लिए कुछ करता है या बोता है या कुछ भी ऐसा काम करता है परमेश्वर की महिमा के लिए, या भला काम करता है, कुछ भला बोता है, तो कभी कभी अंदर डर सा रहता है कि अगर ये कर दिया पता नहीं इसके बाद फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर लॉस तो नहीं होगा, यहाँ ये नुकसान तो नहीं होगा, ये समस्या, ये बीमारी, ये परेशानी, सो मुँह सो बात है, बहुत सारी बातों को लेकर इंसान के मन में जो चीज़ दिखाई नहीं देती ना, वो चीज़ मन के अंदर, मतलब, एक तरीके से चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यही चीज़ है, जैसे कि पत्रस हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। जिस चीज़ को देख, जो चीज़ है नहीं, अगर उस चीज़ को अगर हम अपने मन में प्रेशराइज करते हैं, याद करते हैं, बार बार उसको, मतलब, एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, या उस बात को, उस समस्या को, उस परेशानी को अगर अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, तो लिखा है आगे कि वो डूबने लगता है। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, डूबने के बाद फिर चिल्लाना ही रहता है कि हे यहोवा मुझे बचा ले, क्षमा कर, ये कर, वो कर, सो वो सो बातें। ऐसा हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, हम सबसे गलतियां हुई हैं, हम सब गिर गिर कर इतने सीखे हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखे हैं, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है। जब हम वचन में, विश्वास में, या प्रभु के वचनों में, या कलीसिया आने में जब हम कच्चे थे, तो हम इन बातों को समझते थे, सीखते थे, धीरे धीरे गिर गिर पढ़ पढ़ के सीखते थे, दूसरों की गवाहियाँ सुनते थे, हाँ भाई उसका विश्वास कहाँ टूटा, कहाँ पर इसने विश्वास बनाए रखा, प्रभु ने इसके जीवन में चमत्कार कब किया, इसकी परीक्षा थी, अच्छा ऐसा होता तो हमें ऐसा करना होगा, दूसरों को देख कर सीखा, समझा, हम भी गिरे और परमेश्वर ने हमें भी उठाया और हमारी जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई ताकि दूसरे लोग मजबूत हो। और ये ऐसा नहीं लिखा है कि सब परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु के। हमको भी परमेश्वर ने लिखा है, जिसे वो पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, और ये भी लिखा है कि वो धर्मी को परखता है।
हर एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है परख आती है, लेकिन परख में ना तो वो किसी की जान लेता है, ना वो सहने से बाहर परीक्षा लेता है। वो साफ कहता है क्योंकि सब कुछ उसने क्रूस पर पूरा कर दिया है और सहने से बाहर वो परीक्षा नहीं लेता। वो तो साफ कहता है कि देख, मैं परीक्षा से तेरा निकास कराऊंगा, परीक्षा में से तुझे बाहर निकालूंगा, तुझे जयवंत करूंगा और तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और बड़ी गवाही बनती है जब परीक्षा शुरू होती है ना, तो समझ लेना एक बहुत बड़ी गवाही तैयार हो रही है जिसके द्वारा बहुत से लोगों के आंसू पोंछे जाएंगे। एक ऐसी गवाही तैयार हो रही है जिसके द्वारा बहुत से टूटे हुए मन चंगे होंगे और टूटे हुए से मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे। बहुतों के आंसू पोंछे जाएंगे, समस्याएं खत्म होंगी, लोग प्रार्थना कराने के लिए आएंगे, लोगों को साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। जो सुसाइड करने जा रहे थे उनको एक नई जिंदगी की उम्मीद मिलेगी, नई आशा मिलेगी, लोगों का विश्वास टूटने से बचेगा। हमारी गवाहियों के द्वारा ऐसा हुआ है। हम भी गिरे हैं लेकिन खुदा ने हमें पड़ा रहने नहीं दिया, उसने हमें उठाया। कई बार हम भी डूबने लगे थे लेकिन लिखा है कि देख, आग तुझे ना जला सकेगी, पानी तुझे ना डुबा सकेगा, क्योंकि यहोवा तेरे संग रहेगा, यहोवा हमारी रक्षा करेगा, यहोवा हमारे आने जाने हमारी रक्षा करेगा। मतलब इतनी सारी बातें, इतने सारे वायदे खुदावंद ने हमारे लिए किए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं वचन में, जब वो पतरस हवा को देखकर डर गया और तो डूबने लगा। मतलब वो डर इतना हावी हो गया था कि वो हाथ पैर मारने लगा और डरने लगा कि अब कोई सहारा नहीं है, जल्द से जल्द जैसा हो सके कुछ ना कुछ करने की। मतलब हाथ पैर मार के सोच रहा कि मैं ऊपर आ जाऊं। मतलब समस्या में कभी कभी इंसान इतना डूब जाता है कि कभी कहाँ से हेल्प, कभी कहाँ से हेल्प, कभी कहाँ से, कभी किसी को, कभी किसी को, मतलब जुबान से कभी किसी के लिए भला या बुरा, या तो फिर कभी किस मनुष्य की ओर ताकना, कभी किसी की ओर ताकना। बहुत सारी समस्याएं जब सामने आती है ना, तो इंसान का मन भी ना भटक जाता है, कभी कभी प्रभु के मार्ग से भी हट जाता है। तो आगे लिखा है कि डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। लेकिन पतरस ने आखिरी में प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। पतरस ने एक बहुत अच्छा काम किया, प्रभु का बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हमारे जीवन में भी समस्या आती, कभी कभी हम मनुष्य की ओर ताकते हैं, कभी कभी किसी बहुत धनवान व्यक्ति को ताकते हैं, किसी अपने बेस्ट फ्रेंड की ओर ताकते हैं, किसी अपने बेस्ट रिलेटिव की ओर ताकते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, चलो ये बंदा तो अपना एक स्टेफनी की तरह है ही, अगर जरूरत पड़ेगी तो उससे मांग ही लेंगे, ये इसे मदद कर लेंगे, इसको शेयर कर देंगे, इसको बता देंगे, इसको बुला लेंगे। लेकिन पतरस ने अपने चेलों को नहीं बुलाया, पतरस ने ना तो रस्सी फिकवाई, पतरस ने सिर्फ यीशु को पुकारा, चिल्लाया, डूबने लगा, समस्या आई, लेकिन इसने परमेश्वर को पुकारा। लिखा है, हे प्रभु मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मतलब जब भी अगर हम डूबने को होते हैं ना, डूबते थे या समस्या में होते थे किसी प्रकार की, हम जब जय नहीं पा सकते थे हम, या जय नहीं पा रहे थे किसी समस्या पर, किसी बात पर, तो परमेश्वर हमारा हाथ थाम लेता है, हमारा युद्ध वो लड़ता है। जब वो देखता है कि मेरे बच्चे निर्बल हो चुके हैं, अब इनसे नहीं हो रहा, तो स्वयं हमारा युद्ध लड़ता है, स्वयं हमारी लड़ाई लड़ता है और हमें उठाकर खड़ा करता है, सीधा खड़ा करता है। लिखा है कि हम दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, चलेंगे श्रमित नहीं होंगे, थकित नहीं होंगे, वो हमें उकाबों की नाई लेकर चला फिरा करेगा, उड़ेगा और हमें आकाश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर चलेगा। और उसने हमें सर ठहराया, पूछ नहीं ऊपर रखा है, नीचे नहीं। मतलब ये है कि चाहे कैसी भी समस्या हो, यीशु हाथ थाम लेता है। मनुष्य फेल हो जाता है लेकिन जीसस नेवर फेल्स, यीशु कभी फेल नहीं होता। यीशु परमेश्वर है, वो कभी फेल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम अपने विश्वास में फेल हो जाते हैं ना, तो इसलिए परमेश्वर थोड़ा सा दुखित होता है, लेकिन फिर भी वो एंड में हमारा हाथ पकड़ लेता है, उसके जैसा कोई है नहीं ना इसीलिए। और उसको पता है कि हमारा उसके सिवा कोई है भी नहीं, उसको ये भी पता है कि उसके सिवा, यीशु के सिवा हमारी कोई मदद करेगा भी नहीं, इसीलिए वो हमारा हाथ थाम लेता है, क्योंकि वो बहुत दयावान है ना, इसीलिए उसके अंदर दया भरी हुई है। चाहे उसके मुंह पर थूक दें, चाहे उसके उसके भोजन में लात उठाएं, चाहे उसका दिल दुखाएं, चाहे उसको लूटें, चाहे उसको धिक्कारें, चाहे उसकी बुराई करें, लेकिन फिर भी वो जानता है, कोई बात नहीं मेरे बेटे, मुझे पता है कि तू मेरे पास आएगा, लेकिन जब भी तू आएगा ना, अपने बाएं को लाकर मैं खड़ा रहूंगा, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुझे नहीं पता है कि तूने क्या किया है। मैं कहता हूँ, हे पिता माफ़ कर दे इस बच्चे को, कोई नहीं, देख मेरे सर के कांटे के ताज को और मेरे हाथों की कीलों को देख पिता, तू मुझे देख, तू उस लड़के को माफ़ कर दे, उस लड़की को माफ़ कर दे, इन पति पत्नी को, इस परिवार के लोगों को माफ़ कर दे, देख तू मेरी तरफ देख, तू उनके ऊपर क्रोध ना कर, तू देख मुझे देखा है ना, मेरे हाथ पैरों की कीलों को देख, मैंने उनके लिए खाई है, मैंने उनके लिए अपना लहू बहाया है। पिता बार बार अपने यीशु को देखकर हम लोगों पर दया करता है और यीशु बार बार हमारे लिए घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। लिखा है यशाया 53 का, आप 53 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए। यशाया 53 अध्याय धीरे धीरे इसको पूरा जरूर पढ़ना, तब आप समझ पाओगे गहराई को। और आगे लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस बार उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब इसमें एक बात कहना चाहता हूं
कि जब उनकी नाव में यीशु मसीह नहीं था, नाव के बाहर था, आज यीशु कहता है, देख मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ध्यान से सुनना, ये बात यीशु ने दो बार कही है वचन के अंदर। एक बार तो यीशु ने हमारे लिए कही है, किस बात के लिए, कि हम उससे कह रहे हैं खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सोचना इस बात को, इमेजिनेशन करना, खुदा का दिल कितना नम्र है और हमारा दिल कितना कठोर है खुदा के प्रति। कि यीशु हमसे कहता है, बेटा तू खटखटाएगा ना, तेरे लिए मैं द्वार खोल दूंगा, क्योंकि देख मैंने वचन में लिखा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, खटखटा के तो देख द्वार खोला जाएगा। मती में लिखा है, साफ का है, मती 7:7 आगे पढ़ेंगे तो उसमें आगे बहुत कुछ लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। लेकिन जब यीशु बाहर से खटखटाता है ना, दरवाजे के बाहर खटखटाता है, हमारे दिल का द्वार खटखटाता है, तो लिखा है, देख तूने अपने घर का द्वार बंद कर रखा है, मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोलेगा ना, तभी मैं तेरे पास तेरे घर के भीतर आऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, तेरे साथ बात करूंगा, तेरी शुद्धि लूंगा। आज मैं तेरे घर के बाहर क्यों हूँ, क्योंकि पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकती, विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकता, विश्वास और शक एक साथ नहीं रह सकता। इस वचन को पूरा होने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना करना, बोलना, प्रभु आज मैं अपने हृदय के द्वार को खोलता हूँ, आज प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे शरीर प्राण और आत्मा पर, मेरी जिंदगी के हर एक हिस्सों पर आप कब्जा कीजिए, मैं आपको प्रभुता देता हूँ, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आप आइए, मैं अपने आप को जीरो करता हूँ, मैं अपने आप को आपके आगे खोल कर रखता हूँ, मेरे अंदर कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है आप जानते हो, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कीजिए। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु तैयार है आने के लिए, लेकिन वो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता क्यों है, हमारे ही कारण, हमने अपना द्वार बंद कर रखा है। शैतान को परमिशन लेकर आने की जरूरत नहीं है, शैतान बिना परमिशन के आ जाता है, क्योंकि लिखा है जहाँ पाप है वहाँ शैतान की मौजूदगी है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान ऑलरेडी काम करता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यीशु को हमें बुलाना पड़ता है, तो प्रभु आशीष दे आप सब यीशु को अपने जिंदगी में, अपने लाइफ के हर एक हिस्से में, अपने शरीर प्राण और आत्मा पर प्रभुता दे, अपने नौकरी बिजनेस पर, अपने काम धंधों पर, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सोच विचार, अपने मेमोरी पावर, अपने याददाश्त पर, अपने हाथ के कामों पर। और आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, चेले जब देखा, हाँ भाई ये तो सच में यीशु ही निकला, यीशु ही था, हमने क्यों अल्पविश्वास किया, अल्पविश्वास क्यों दिखाया, तो फिर यीशु मसीह जब उनकी नाव में आ गए तो सारा तूफान थम गया, यीशु मसीह ने तूफान आंधियों को बिल्कुल थमा दिया। पर यीशु की जहाँ प्रेजेंस होगी वहाँ पर शैतान का काम हो ही नहीं सकता है। तो जैसे ही यीशु उनकी नाव में बैठा तो उनकी नाव बिल्कुल आराम से हो गई। आज यीशु आपकी नाव में बैठना चाहता है, आपकी नैया में आना चाहता है, जो आपकी नैया शारीरिक, आत्मीय, आर्थिक या संसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली या सोशली या किसी भी रूप से आपकी जो नाव हिचकोले खा रही थी, या दुख में थी, या समस्या में थी, या तकलीफ में थी, या गरीबी में थी, या घटी में, या परेशानी या बीमारी में थी, आज यीशु आपकी नाव में आना चाहता है। उसको आपको बुलाने की ज़रूरत है। ध्यान रखना, जब तक आप नहीं बुलाओगे उसको तो वो नहीं आ पाएगा, वो खटखटाता है। तो मेरे भाई और बहनों, वो इंतज़ार करता है, वो तो खुद कहता है कि तू मुझे ढूंढ तो तू पाएगा, अगर तू मुझे ढूंढेगा तो तू मुझे खोजता हुआ आएगा, अगर तू मुझे खोजेगा तो तू मुझे पा लेगा। खोजने के लिए, ढूंढने के लिए खटखटाना होगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तुम खोल, तू अपना द्वार खोल और मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ। मैंने अपना द्वार तो तेरे लिए खोल रखा है मेरे बच्चे, लेकिन तूने अपना द्वार बंद कर रखा है। खोल, आज मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, आज मैं तेरा इंतज़ार करूँगा तेरे बिस्तर के निकट, आज मैं देखता हूँ मेरे बच्चे तू मेरे पास समय बिताने आएगा या नहीं आएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।